अरे सब लोग जल्दी जल्दी से अपने बुक्स बाहर रखो, मैं आज सब लोगों का होमवर्क चेक करूंगी और जिसने भी होमवर्क नहीं किया होगा ना, आज उसको पनिशमेंट मिलेगी। फटाफट से सब लोग अपनी नोटबुक निकाल के रखो, मैं चेक करूंगी। ओह नो, आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, कहीं आज मेरी मिस्टी पिटाई ना कर दे, जल्दी से जाती हूँ। अरे अंकल, आज मेरा न्यू एडमिशन है इसीलिए मैं लेट हो गई, आज तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। पहले दिन में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, अब मिस्टी पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। मुझे लगता है आज मिस्टी मुझे छोड़ देगी, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। चलो जाकर देखती हूँ आज मेरा फर्स्ट डे कैसा होने वाला है। वाओ, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग पढ़ाई करने आए हैं। अरे ये लोग कितने बदतमीज है, कॉलेज में ठीक से बैठे भी नहीं है। अरे मैडम जी, आज मैं लेट हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे है, जल्दी से जाकर अपने चेयर पर बैठो और ये जो होमवर्क करके लाए हैं सब लोग अपनी बुक्स नोटबुक बाहर निकाल के रखो, अभी चेक करूंगी। अरे प्लीज यहाँ से हटिए, यहाँ पर मैं बैठूंगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियाँ फर्स्ट बेंच पर बैठती है। आप लड़के हो, पीछे जाकर बैठो। जाओ जाओ जल्दी से हटो, मेरी सीट खाली करो, मैं यहीं बैठूंगी। यहाँ ना बैठने दूंगा, निकल पहली फुर्सत में, कहीं और जाके बैठ, यहाँ पे तो मेरी सीट है ये। देखो ना मिस्टी, ये कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे बैठना है, इसे प्लीज पीछे वाली सीट पर भेज दीजिए, वरना तो मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जाओ यहाँ से हटो और कहीं और जाकर बैठो। बोलो ना मिस्टी, इसको पीछे जाकर बैठेगी। अरे होंगे तेरे पापा बिजनेसमैन, मैं भी अपने कॉलेज का टॉपर हूँ और टॉपर लोग हमेशा आगे ही बैठते हैं, वो कभी पीछे नहीं बैठते। मिस्टी बताओ ना जरा इसको कि मैं कितना बड़ा टॉपर हूँ अपने कॉलेज का, ये मुझे पीछे भेज रही है, मैं तो जाऊंगा नहीं, बिल्कुल पहली बता रही हूँ। इसे जाके भेज दो पीछे, वरना तो मैं तो यहाँ बैठने नहीं दूंगा, साफ सी बात है भाई, मैं नहीं बिठाऊंगा यहाँ पे। अरे टिप्सन बेटा, गुस्सा नहीं होते, ओए मोटे चल बेटा पीछे जाकर बैठ, यहाँ पर ये लड़की बैठेगी। अरे सुनाई नहीं आती क्या तुझे? तुझे पिटाई करनी पड़ेगी, एक तो पूरा दिन पढ़ता नहीं है, क्लास में आके यहाँ बैठ के सोता है। जाओ जाओ पीछे जाकर बैठो, यहाँ पर ये लड़की बैठेगी। बैठ जाओ बेटा अर्टिका, इसको मैं पीछे भेज रही हूँ। अरे मिस्टी, इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, फिर तो ये मेरी छोटी सी सीट है। अरे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीछे जाने को तैयार हूँ। अरे यार रो पिरो, देखना यार कितनी बेइज्जती करके उस लड़की ने मुझे पीछे भगा दिया। यार ये लड़की तो हम सबकी नाक में दम कर रही है, आज इसका पहला दिन है, इसने आते ही मुझे पीछे भगा दिया, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार मुटेंट, इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा यार, शक्ल से तो कितनी प्यारी लगती है, लेकिन भाई इसने आते ही तेरे को पीछे भेज दिया, देख आगे कितने से बैठी है अब। थैंक्स मिस्टी, आपने मुझे फर्स्ट बेंच पर सीट दी। मोस्ट वेलकम बेटा। अरे सब लोगों ने अपने अपने नोटबुक नहीं निकाली अभी तक, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकालो, और जो कोई भी इस लड़की को परेशान करेगा ना, उसको मैं नाम काट कर स्कूल से भगा दूंगी, क्योंकि ये हमारे सिटी की सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। आरटी का बेटा, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बता देना, मैं की पिटाई कर दूंगी। और सब लोग अपने अपने नोटबुक निकाल के रखो, क्योंकि अभी मैं होमवर्क सबका चेक करूंगी। वो लड़की यही कहीं होगी, उसे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये साइकिल खड़ी है, लगता है वो लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती है। जल्दी से जाओ कॉलेज के अंदर चेक करते हैं, फटाफट से वैन के अंदर बैठो सब लोग, वो लड़की यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। जल्दी जल्दी से गाड़ी से उतरो, और यहीं कहीं पर वो लड़की होगी, फटाफट चेक करो सब लोग, जल्दी उतरो गाड़ी से। क्या कर रहे हो तुम लोग? उस लड़की को ढूंढो और गाड़ी के अंदर बिठाओ फटाफट से, उसे यहाँ से पकड़ कर ले जाना है। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो सब लोग, कोई भी यहाँ से उठकर नहीं भागेगा, वरना तो मैं गोली मार दूंगा। इस कॉलेज को हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है, जो कोई भी यहाँ से अपनी होशियारी करेगा उसको मार दूंगा। ए
जल्दी से बताओ वो लड़की कहाँ है। ये वो लड़की मिल गई। अरे देखो देखो, जल्दी से इस लड़की को उठाओ और गाड़ी के अंदर डालो। और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, किसी ने भी अगर यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मार दिया जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर पुलिस को फ़ोन करेगा तो मैं भी उसको गोली मार दूंगा। अरे बॉस बॉस, देखो ना वो लाल कलर का जो दुपट्टा पहन के खड़ा है, वो पुलिस को फ़ोन लगा रहा है। वो पुलिस को फ़ोन लगा कर बुला लेगा, जल्दी उसे पकड़ो। हमारे कॉलेज में बहुत सारे गुंडे आ गए हैं, पूरा कॉलेज हाईजैक कर लिया है, प्लीज हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बचा। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। मारा गया ना बेचारा, मैं सब लोगों को मार डालूंगा अब, किसी ने भी अगर पुलिस को फोन लगाया तो। अरे सब लोग इस लड़की को पकड़ो और गाड़ी में डालो, वरना यहाँ पर पुलिस आने वाली है, जल्दी से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम सब लोग यहाँ से मारे जाओगे। भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। जल्दी से सब लोग गाड़ी में बिठाओ, उस लड़की को यहाँ से निकलना पड़ेगा, पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। और इस मिस्टी को तो मार डालूंगा यही पर, वरना ये कुछ भी बोल सकती है। अरे नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो ना। जल्दी से इस लड़की को लेकर निकलो, तुम्हारे की स्टूडेंट ने हमारे बारे में पुलिस को बताया है, इसकी वजह से अब मैंने मिस्टी को भी मार डाला। अरे जल्दी से इस लड़की को लेकर चलो, फटाफट से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जा लड़की, वरना तो हम लोग तुझे यहीं पर गोली मार देंगे। जल्दी से इस लड़की को उठाओ और गाड़ी में बैठाओ, निकलना पड़ेगा, चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस हो चुकी है। फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो इसको लेकर, जल्दी से बैठो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, पुलिस ने घेर लिया है चारों तरफ से। अरे उठा उठा उठा, गाड़ी के अंदर डाल जल्दी से, बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। चले चल चुपचाप अंदर बैठ, यहाँ पर ज्यादा बाल 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 मत कर। अरे बॉस चलो चलो बॉस, जल्दी से लेकर चलो गाड़ी को यहाँ से। अरे शिट, यहाँ पर तो पुलिस आ चुकी है, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम सब लोग बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठे रहो, मैं यहाँ से गाड़ी को कैसे भी करके निकाल लूंगा। ये लड़की चुपचाप होके बैठी रहे, कहाँ बड़बड़ कर रही है। पता है तुझे, बॉस मेरे बहुत खतरनाक है, इनको अगर गुस्सा है ना तो तेरे पापा के साथ साथ तुझे भी उड़ा देंगे, समझे। चुपचाप होके बैठ। Thank you.
तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या करे छोटू मोटू, जल्दी बोलो यार, ये पुलिस लोग तो हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। देखो यार, कितनी सारी पुलिस हम लोगों के पीछे लग चुकी है। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। अरे बॉस, क्या करना है यार, गाड़ी भगाओ ना तेज करके। तुम्हें पता है यार, हमारा गोलू भाई तो वो स्कूल में रह गया। कहीं ये पुलिस वाले हमारे भाई गोलू को ना पकड़ ले। यार क्या करे बॉस, हमें वापस से स्कूल में चलना चाहिए। हमें अपने दोस्त गोलू को बचाना है यार। वो अगर वहाँ पर रह गया तो पुलिस वाले उसे पकड़ कर मार देंगे। अरे क्या बात कर रहा है, हमारा गोलू स्कूल में कैसे रह सकता है? तुम लोगों ने उसको अपने साथ क्यों नहीं बिठाया वैन के अंदर? तुम लोग बिल्कुल पागल हो गया। अरे बॉस, अब क्या करें यार, कुछ तो सोचो यार। हमें अपने दोस्त गोलू को बचाना चाहिए, नहीं तो ये पुलिस वाले उसको मार डालेंगे। नहीं नहीं, हम लोग स्कूल बिल्कुल वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि गोलू को अगर पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ गई तो साथ में हम लोगों को भी पकड़ लेगी। और अगर हम लोग भी पकड़े गए तो फिर हम लोग यार क्या करेंगे? हम लोगों को एक काम करना है, गोलू को अगर पुलिस पकड़ लेगी तो हम लोग गोलू को पुलिस से छुटा लेंगे। यही एक रास्ता बचा है। अब हम लोग वापस से स्कूल के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। ये देखो कितनी पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। छोटू मोटू, ये सब लोग हम लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। हम सबको मार डालेंगे। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।